नमस्कार, जय माता की बोलना पड़ेगा। नवरात्र आ गए और नवरात्रों में एस्ट्रो तक देखते रहिएगा। एस्ट्रो तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आचार्य भूषण कौशल। नवरात्रों में नारियल का क्या महत्व है ये बताने जा रहा हूं। नारियल आपको का करेगा बेड़ा पार, करेगा आपको मालामाल, शत्रुओं का करेगा अंत और आपकी तरक्की देगा। एक नारियल, नारियल बहुत इंपॉर्टेंट है। नवरात्रे 29 सितंबर रविवार को शुरू हो रहा है और रविवार को बहुत अच्छा सूर्य का योग है। सूर्य बलवान है, सूर्य कन्या राशि में बलवान हो गया है और वो सूर्य आपके यश मान सम्मान को बढ़ाएगा, धन को बढ़ाएगा, सेहत को अच्छा करेगा। और सूर्य का कारक होता है नारियल। नारियल सूर्य के लिए माना जाता है और नारियल माता को इसीलिए चढ़ाया जाता है कि सूर्य ग्रह आपका अच्छा हो जाए और माता भी प्रसन्न हो जाए। तो नारियल के कैसे विधि विधान से चढ़ाना है, कैसे उसका प्रयोग करना है, कैसे उसके प्रयोग से आपको लाभ क्या क्या होगा, ये सब बताता हूं आपको। नारियल कौन सा होगा? नारियल जटा वाला, पानी वाला होगा। बाजार से खरीद के लाएंगे और उसको क्या करेंगे कि हल्का सा छील लेंगे एक तरफ और उसकी आंखें निकाल लेंगे। उसकी आंखें होती हैं, देखिए तीन, आप देखा होगा। और दोनों हाथों से ओम दुन दुर्गाय नमः, ओम सूर्याय नमः बोल करके आपको दुर्गा जी को चढ़ाना है। एक वो नारियल जो कलश के ऊपर लाल कपड़ा लपेट करके आम के पल्लव के ऊपर रखा हुआ है, वो तो अलग है, वो तो कलश स्थापना का नारियल है। लेकिन उसके अलावा एक और नारियल पहले दिन रविवार को पहले नवरात्रों में चढ़ाना है। इस बार का खास संयोग है क्योंकि रविवार से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, सूर्य का दिन है और सूर्य यश मान सम्मान देता है, विदेश यात्रा का योग देता है, सरकारी नौकरी देता है। ये सब आपको फायदा होगा अगर आप ये करेंगे। संतान की उन्नति मिलेगी। तो नारियल को आपने छील दिया, उसमें आपने लाल सिंदूर से जो है आपने सूर्य बना दिया, लाल सिंदूर से गोल बना के सूर्य बना दीजिए और जय माँ लिख दीजिए नीचे, जय माता की लिख दीजिए। और लिखने के बाद उसको लेकर के ओम दुम दुर्गाय नमः, हम दुम दुर्गाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रविये नमः, ऐसा जाप कर लीजिए। करने के बाद समर्पित भाव से लीन होके भगवान की, सूर्यदेव की भावना में, भाव में लीन होकर, माँ दुर्गा की भावना में लीन होकर, सूर्यदेव महाराज की भावना में लीन होकर, क्योंकि विष्णु के अवतार का कारक ग्रह सूर्य ही है, विष्णु ही पालनहार हैं, धन दौलत देने वाले हैं, हमें पालने वाले, उसका कारक सूर्य, उसका नारियल, ये आपको चढ़ा देना है दुर्गा माता पर। जय माता की बोलना पड़ेगा। जय माता की बोलकर नारियल चढ़ाने के बाद बैठ जाइए और आप जाप कर लीजिए थोड़ा सा, ओम दुन दुर्गाय नमः, ओम सूर्याय नमः। और उसके बाद जो है रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन करना पड़ेगा क्योंकि नवरात्र में रात्र की पूजा पाठ की भजन कीर्तन का ही महत्व है। आप देखिए आपका कल्याण हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या कर, नारियल आपने चढ़ा दिया, उसके बाद अगले दिन जो है वो नारियल आप ले लेंगे, सोमवार हो जाएगा और माँ को प्रणाम करके, बहुत से लोगों का नवरात्र व्रत भी होता है, शाम को फल फूल खाते हैं, कोई 9 दिन व्रत करता है, कोई 8 दिन करता है, कोई एक दिन पहला और आखिरी दिन करता है। तो 8 तारीख को दशहरा, 7 तारीख को, 7 अक्टूबर को नवरात्र खत्म होंगे तो उस दिन नवमी है, नवमी में व्रत खोलता है कोई, जो है 6 तारीख को अष्टमी को खोल देता है। तो ये जब समापन होगा तो उस नारियल को फोड़ करके उसका खुद भी प्रसाद खाना और सबको खिलाना है।
आप देखिए नवरात्रों के बाद आपकी मनोकामनाएं सारी पूरी होंगी। पूरे नवरात्रों में इस बार लाल तिलक गाढ़े सिंदूर का लगाना है, माता को भी समर्पित करना है। रविवार से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, आप देखिए आपकी हर मनोकामना माँ दुर्गा पूरा करेंगी, क्योंकि कष्टों को हरने आ रही हैं दुर्गा माता। कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम अपना समापन करते हैं, और ईश्वर करे आपका माता रानी सब भला करे। मुझे इजाजत दे, जय माता की बोलना पड़ेगा। नमस्कार।